हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड हर्सिल घाटी का एक सुंदर सा अपने गांव मुखवा से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्सिल ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गई अपने गांव मुखवा से। तो कल रात से ही लगातार बारिश हो ही रही है, जिस वजह से काफ़ी ठंड बढ़ गई है। और सामने यहाँ से दिख रहा है कि गाड़ियों की लगातार यात्रियों की लाइन लगी हुई है माँ भगवती गंगा जी के दर्शन के लिए। और मेरे नए दिन की शुरुआत भी गर्मा गर्म चाय, और वो भी गुड़ वाली चाय से हो रही है। गर्मा गर्म चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने कपड़े वगैरह धुले, और अब है ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट में, क्या बनाऊं। मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं उत्तरकाशी से बंद आ रखे, उनको सेक और वो ही खाएंगे, लेकिन मुझे नहीं खाना बंद। तो मेरे हस्बैंड जी को जाना था अभी गंगोत्री, लेकिन मौसम खराब है इस वजह से गए नहीं। जैसे मौसम खुलेगा, बारिश रुकेगी, वैसे ही जाएंगे। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो अभी कर रही मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। स्वादिष्ट सा ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी आई हूँ मैं खेत में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लकड़ियाँ कटवा के रखी हुई है, तो ये वाली लकड़ियाँ उठा के हम लोग छत के ऊपर रखेंगे। तो काफ़ी लकड़ियाँ थी ये, बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये इस पत्थर तक थी। लेकिन यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो जिसको ज़रूरत पड़ी होगी वो लेके चले गया होगा। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, लेकिन अब हमें भी ज़रूरत है। हम लोगों ने इस बार बुखारी ले ली, तो ये वाली लकड़ी छत के ऊपर लेके जाएंगे। तो एक भैया जी हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं, वो मुझे यहाँ से पास करवाएंगे, बिल्कुल नीचे ही हमारा घर है, और छत के ऊपर रखेंगे। तो छत के ऊपर रखने से लकड़ी भी सेफ रहेगी और गीली भी नहीं होगी। तो मैं यहाँ से एक एक करके लकड़ी निकालती हूँ। और अभी अभी थोड़ा सा मौसम साफ होने लग गया था, बारिश रुक गई थी, और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो भैया डाल रहे हैं यहाँ से, और मैं नीचे खड़े होके छत के ऊपर डालूंगी। और जो ये मोटी मोटी लकड़ियां हैं, तो इनको बाद में फाड़ के रखेंगे। अभी तो फिलहाल में जितनी बारीक बारीक सी हैं, जो हमसे हो पाएगा वही लेके जाएंगे। बाकी जितनी मोटी मोटी लकड़ियां हैं इनको अभी छोड़ देंगे। और ये वाली जगह बनाई मैंने लकड़ियों को रखने के लिए, ये छत के ऊपर। और फिर से बारिश हो रही है, और भैया छाता लेके लकड़ी डाल रहे हैं नीचे। तो जैसे ही बारिश रुकेगी फिर मैं नीचे जाऊंगी, या मेरे हस्बैंड नीचे जाएंगे, फिर जाके लकड़ी छत के ऊपर पहुंचाएंगे। अभी हम लोगों ने छत के ऊपर पूरी लकड़ी वगैरह रख दी और सफाई वगैरह भी कर ली। तो अभी फिर से गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि ठंडा भी काफी हो रहा है, और मेरे हस्बैंड हर 5-10 मिनट बाद बोल रहे हैं कि चाय बना चाय बना। तो एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, और फिर लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। फिर हस्बैंड जी कह रहे हैं कि शाम के लिए गंगोत्री चलते हैं। तो अभी तो ऐसे कुछ है नहीं प्लान जाने का, जैसे मौसम रहेगा। अभी तो फिलहाल मौसम ठीक है, थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही है। अगर मौसम ठीक रहेगा तो शाम को गंगोत्री जाऊंगी, वरना कल उत्तरकाशी। गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो आज लंच में बना रही हूँ लौकी आलू की सब्जी, और जो पेठे वाली बड़ी होती है घर की, उसका साग। तो अभी तैयारी पूरी कर दी मैंने, और जल्दी से लंच बनाती हूँ, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आज यहीं रुकें या गंगोत्री जाएं। तो ये है पेठे वाली बड़ी, और
ये सब्जी काट दी और जल्दी से लंच बना लेती हूँ। तो अभी मैंने लंच बना दिया, बाकी अभी चावल पे सीटी आ रही है, तब तक मैं थोड़ा सा अपने गांव मुखवा आगे तक घूम के आती हूँ। और मौसम की बात की जाए ना तो अच्छी सी धूप निकलने लग गई अभी। और ये हमारा मुखवा गांव का रास्ता हमारे घर से ही, और ये सामने जो आप पेड़ देख रहे होंगे ये है सेब के पेड़। तो इस बार सेब की फसल बहुत कम है, क्योंकि जो इससे पहले बर्फबारी हुई थी तब सेबों में फूल लगे हुए थे, जिस वजह से सेब की फसल बहुत कम है। सेब बहुत कम निकले हुए हैं और जो निकले हुए भी हैं तो अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। तो अभी सेब के पेड़ों में पत्ते इतने ज्यादा हैं कि सेब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं अभी, तो काफी कम है इस बार पैदावार सेब की। और बाकी धूप इतनी अच्छी लग गई और मैं जा रही हूँ अभी अपने गांव की तरफ। और यहाँ से जो हमारे गांव का व्यू है ना तो बहुत ही प्यारा है, और सामने गंगा माँ का मंदिर। और आखिर मैं दूसरी जगह पे आ गई, तो यहाँ पे इस पेड़ में जो मुझे अच्छे वाले सेब दिखाई दे रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से और बहुत प्यारे लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो आप, ये हैं सेब, अभी इतने छोटे हैं और एक ही जगह पे दो दो तीन तीन निकले हुए हैं, और एकदम लाल लाल से कलर के हैं। तो इस वाले पेड़ में मुझे थोड़ा ज्यादा सेब दिखाई दे रहे हैं, पर उतने ज्यादा नहीं जितनी अच्छी पैदावार पिछली बार थी, उससे काफी कम है, काफी मात्रा में कम है। और यहाँ पे पूरी लहसुन की खेती है, लहसुन बो रखे हैं। और यहाँ से जो व्यू है ना, वाह, पूरा आपका धराली, सामने उधर चोलमी दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे सेब का पेड़ था वहीं पे था इतना प्यारा सा फूल, तो मैं एक इसकी छोटी सी जड़ निकाल के लाई हूँ, तो इसको अपने घर उत्तरकाशी में लगाऊंगी। और कलर इतना प्यारा है, बिल्कुल मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, तभी मैंने एक इसकी जड़ निकाली। और देखते हैं उत्तरकाशी में लगता है या नहीं लगता। वैसे यहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में बहुत अंतर है, पर ये वाला फूल मुझे लगता है लग जाएगा। वाह, बहुत प्यारा है। और गांव घूमते घूमते अभी मैं पहुंच गई माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में। तो अभी मंदिर भी बंद है, तो बाहर से दर्शन करते हैं और फिर निकलती हूँ घर के लिए। ये गंगा जी का मंदिर, अभी मंदिर बंद है, साथ में ही है शमेश्वर देवता का मंदिर और उसके साथ में ही नरसिंह देवता का मंदिर, और ये हमारा मुखवा गाँव। अभी मैं पहुंचने वाली हूं अपने घर पे, और मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल छत के ऊपर खड़े होकर मेरे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया। मामा जी प्रणाम। ठीक है, तो अभी स्वादिष्ट सा लंच करते हैं। स्वादिष्ट सा लंच करने के बाद अब लास्ट में यही डिसीजन हुआ कि अभी हम लोगों की तैयारी हो गई गंगोत्री जाने की। और अभी भी बारिश हो ही रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। और अभी यहाँ से निकलेंगे धराली तक पैदल, और धराली में हमारा भतीजा आएगा लेने के लिए, तो बिल्कुल हम लोग रेडी हो चुके हैं। और चलो बैग वगैरह मेरे बेटे ने भी ले लिया, मेरे हस्बैंड भी एकदम रेडी है। और मिलती हूँ आपको अभी सीधे गंगोत्री धाम में, या अगर टाइम मिला तो धराली में थोड़ा सा दिखाऊंगी, नहीं टाइम मिला तो सीधे गंगोत्री धाम में। तो अभी हम पहुंच गए धराली के पास, तो यहीं पे है प्राचीन कल्प केदार मंदिर।
अभी हमारा भतीजा जी आ गए हमें लेने के लिए। जय हो, जय हो, जय हो। और अभी मैं पहुंच गई माँ भगवती गंगा जी के मंदिर में और थोड़ी देर बाद आरती होने वाली है। सभी श्रद्धालु यहाँ पे लाइन से खड़े हो रखे हैं और ऊपर से झमाझम बारिश भी हो ही रही है। भगवती गंगा जी के दर्शन कर लिए और कैंटीन में खाना वगैरह भी खा लिया। तो माँ भगवती गंगा जी आप सभी लोगों पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।